नवंबर है, हर साल आता है 2 नवंबर, और एक ये एक फिक्स डेट है मुर्दों की ईद मनाने के लिए। जैसे कि मैंने शीर्षक लिखा है यहाँ पर, वो शीर्षक है क्या मुर्दों की ईद बाइबल के अनुसार है। आज हम इस बात को देखेंगे, क्या मुर्दों की ईद बाइबल के अनुसार है या नहीं है। ये सब बातें हम वचन से जानेंगे। हालेलुया, बहन सोनाली, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने शो में। आपको प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में जय मसीह की। और मेरे साथ बने रहिएगा, अंत तक देखिएगा वीडियो को, और ज्यादा समय मैं आपका नहीं लूंगा। थोड़े से शब्दों में हम बहुत सारी बातें करेंगे, और मैं जानता हूं कि जब बाइबल खुलेगी तब आप उसमें बंध जाएंगे और आपका हिलने का दिल नहीं करेगा, आपका मन करेगा कि आप सुनते रहें। हालेलुया। तो 1 मिनट और रह गया, 5:15 पर मैं आज के वचन को शुरू करूंगा, और ध्यान से सुनिएगा कि परमेश्वर का वचन क्या हमें समझाता है, बाइबल क्या कहती है, और हम क्या कर रहे हैं। हालेलुया। संगीता बहन, संगटिला, आपका मैं स्वागत करता हूं अपने चो में। हालेलुया, प्रभु आपको आशीषित करे, और मैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आपको जय मसीह की। हालेलुया। तो अब समय हो चुका है कि आज के वचन को हम शुरू करें। जो लोग मेरे साथ जुड़ते रहेंगे और मेरी तरफ से एडवांस में उनको जय मसीह की है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं वचन को बीच में छोड़कर मैं स्वागत में लगूं, और मैं हृदय से उनका स्वागत करता हूं पहले से ही एडवांस में। और अब हम वचन में चलेंगे, और पैटी के बियार्ड में आपका भी स्वागत करता हूं इस शो में। तो आइए हम देखते हैं मुर्दों की ईद के विषय में बाइबल क्या कहती है। हालेलुया। और हम सबसे पहले देखेंगे सभोपदेशक, निकालेंगे सभोपदेशक 12 अध्याय और उसकी 7 आयत में पढ़ूंगा। यहां से हम आज के वचन को शुरू करेंगे। आप अगर बाइबल लेकर बैठे हैं तो अपनी बाइबल में, या आपके पास जो फोन है उसमें बाइबल आपने डाउनलोड कर रखी है तो निकाल लीजिए, और मेरे साथ उसको देखते रहिएगा जो भी वचन मैं निकालता हूं, क्योंकि इससे क्या होगा, आपके जहन में वो वचन बना रहेगा। सुनिए क्या लिखा है, यहां से हम शुरू करेंगे आज के वचन को। आज का जो वचन है वो है क्या मुर्दों की ईद बाइबल के अनुसार है। 2 नवंबर पर, आज के दिन पर ये जो टॉपिक है ये विशेष है, इस पर ध्यान दीजिएगा। सभोपदेशक 12 अध्याय, तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी, और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया है लौट जाएगी। हालेलुया। मिट्टी, उत्पत्ति 2 अध्याय और उसकी 7 आयत में अगर हम पढ़े तो वहां पर लिखा है कि तब परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया, और मिट्टी जीव की, सॉरी, और आदम जो था वो जीवता प्राणी बन गया। हालेलुया। आदम जीवता प्राणी बन गया और वो चलने फिरने लगा, उसके अंदर जीवन आ गया। कौन आ गए? प्रभु यीशु मसीह आ गए, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा? मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। तो हम देखते हैं कि उत्पत्ति 2 अध्याय और उसकी 7 आयत में इस प्रकार से लिखा है कि तब परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी में से की, तो इस बात को सत्य पाया कि हाँ, मनुष्य जो है वो मिट्टी से ही बना है, क्योंकि मिट्टी में भी 96 तत्व हैं और मनुष्य के अंदर भी 96 तत्व पाए जाते हैं। हालेलुया। सभोपदेशक 12 अध्याय और उसकी 7 आयत में हम पढ़ते हैं, तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी। कब? जब मनुष्य मर जाता है, तब क्या होता है, उसे दफनाया जाता है या उसे जलाया जाता है, तो मिट्टी जो है वो ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी, और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसने उसे दिया है वो लौट जाएगी। मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल गई और आत्मा परमेश्वर के पास लौट गई। ये इस तरह से हुआ, यहां मिट्टी चली गई, इधर आत्मा चली गई, तो बीच में क्या बचा? कुछ भी नहीं, हवा। तो आज 2 नवंबर के दिन कब्रिस्तान में क्या करने गए हैं लोग?
मिट्टी तो जीव की त्यों मिट्टी में चली गई है, और आत्मा जिसे परमेश्वर ने दिया है वो परमेश्वर के पास लौट गई है। तो क्या बचा है कब्रिस्तान में? हालेलुया, क्या बचा है कब्रिस्तान में? वहां पर कुछ भी नहीं है, वहां मिट्टी है, वहां पर मिट्टी है। और अगर हम कब्रिस्तान जा रहे हैं और हम मुर्दों की ईद मना रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हम प्रभु यीशु मसीह के एक वचन को झूठा साबित कर रहे हैं। वो कौन सा वचन है, आइए देखते हैं। वो वचन है यूहन्ना की इंजील 11 अध्याय और उसकी 25 आयत। यूहन्ना की इंजील 11 अध्याय और उसकी 25 आयत, यहां पर लिखा है, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए। और जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? हालेलुया, क्या हम इस बात पर विश्वास करते हैं? अगर हम विश्वासी हैं, यदि हम आपको अपने आप को विश्वासी बताते हैं, यदि हम अपने आप को क्रिश्चियन बताते हैं, और यदि हम आपको कहते अपने आप को कहते हैं कि हम चर्च जाने वाले लोग हैं, तो हम कब्रिस्तान में आज के दिन क्या कर रहे हैं मेरे दोस्तों? कब्रिस्तान में कुछ भी नहीं है मेरे दोस्तों। याद रखिएगा, सबोपदेशक 12 अध्याय उसकी 7 आयत हमें हमारा मजाक उड़ा रही है, हम पर हंस रही है वो आयत। वो कहती है कि मिट्टी तो ज्यों की त्यों मिट्टी में चली गई, आत्मा जिसे परमेश्वर ने दिया है वो परमेश्वर के पास लौट गई। तो तुम यहाँ पर क्या देखने आए हो? क्या हिलते हुए सरकंडे को देखने आए हो? हालेलुया, हिलते हुए सरकंडे को देखने आए हो। यीशु मसीह ने कहा अपने चेले से कि क्या देखने गए थे वहां तुम? क्या हिलते हुए सरकंडे को? हालेलुया। हाँ दोस्तों, हम आज 2 नवंबर के दिन हम हिलते हुए सरकंडे को देखने गए हैं कब्रिस्तान में। हालेलुया, अब आइए देखते ऐसा क्यों कर रहे हैं। आइए मेरे साथ निकाल लीजिए एक वर्ष, मरकुस की इंजिल निकालते हैं और पढ़ते हैं उसका 7 अध्याय। बेहतरीन वचन, ऐसा वचन जो हमें हिलाकर रख देगा, हमें झकझोर देगा। हालेलुया, मरकुस 7 अध्याय और उसकी 6 आयत से मैं पढ़कर बताऊंगा मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर लिखा है इस प्रकार से, उसने उनसे कहा कि यशाया ने तुम कपड़ियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की है। इस मसीह के शब्द ने ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों, कह रहे कि यशाया ने तुम कपड़ियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की है, जैसा लिखा है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर है। होठों से हे प्रभु कहते हैं, लेकिन मन में क्या है? मन में कुछ भी नहीं है प्रभु के प्रति। ये होठों से तो मेरा आदर करते हैं लेकिन इनके मन मुझसे दूर है। 7 आयत में देखिए क्या लिखा है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। हालेलुया, मनुष्यों की आज्ञाएं क्या है? मनुष्यों की आज्ञाएं, 2 नवंबर को मुर्दों की ईद मनाई जाए, 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाए, गुड फ्राइडे मनाया जाए, ईस्टर मनाया जाए, बस यही और कोई काम नहीं है। ये मनुष्यों के मनाए हुए रीति रिवाज हैं दोस्तों। यहां पर लिखा है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं, अपनी आज्ञाओं को सामने रखते हैं और कहते हैं ये तो धर्म का उपदेश है, ये तो परमेश्वर ने सिखाया, ये हमें ऐसा करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा हमको। लेकिन दोस्तों, अगर हम मनुष्यों के बनाए हुए रीति रिवाजों पर चलते रहेंगे, उनके बनाए हुए जो धर्मोपदेश जो हमें बताते हैं उनकी आज्ञाओं पर चलते रहेंगे, तो हम परमेश्वर के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं मेरे दोस्तों।
ऐसा परमेश्वर ने नहीं सिखाया है कि हम मुर्दों के लिए जाकर, होता क्या है, हम जाते हैं 2 नवंबर को कब्रिस्तान में, वहां पर शराबें चढ़ाते हैं कि मेरे पापा बहुत शराब के शौकीन थे, ये शराब उनके लिए है, वो सोडे के साथ पीते थे, मैंने सोडा भी यहाँ पर रख दिया जैसे कि पापा निकलेंगे कब्र से बाहर और वो शराब को पियेंगे। बहुत से लोग मिठाइयां रखते हैं वहां पर जाकर, बहुत से लोग पकवान बना बना के रखते हैं, बिरयानी कोरमा रोटियां, ये सब वो क्या मुर्दे क्या उठकर खाएंगे उनको? कितना पैसा और कितना समय बर्बाद करते हैं आज के ईसाई लोग इस व्यर्थ की बात पर, क्योंकि ये तो मनुष्य का बनाया हुआ एक रिवाज है, ये मनुष्यों का सिखाया हुआ धर्मोपदेश है कि ऐसा करो, अगर हम ऐसा करते हैं तो मनुष्यों को मानते हैं ना कि परमेश्वर को। यहां पर लिखा है मरकुस 7 अध्याय हम पढ़ रहे हैं, उसकी 7 आयत में लिखा है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं, और लिखा है 8 आयत कर मनुष्यों की रीति को मानते हो। हालेलुया, परमेश्वर की आज्ञा को टालकर हम मनुष्यों की रीतियों को मानते हैं, मनुष्य की रीतियां ये मेरे दोस्तों, ये मनुष्यों की रीतियां हैं, हम मनुष्यों को पहला स्थान दे अपने जीवन में, ये मनुष्यों की रीतियां, जाओ 2 नवंबर को मुर्दों की ईद मनाओ, क्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा जिसे परमेश्वर ने दिया है वो परमेश्वर के पास लौट जाएगी। मैं एक बात और बताता हूं आपको कि अगर आज ईसाई लोग कब्रिस्तान में जाकर मिठाई चढ़ा रहे हैं और शराबें चढ़ा रहे हैं, कपड़े चढ़ा रहे हैं, पकवान चढ़ा रहे हैं, भोजन चढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब वो इस बात को मानते हैं कि वो जो हमारे अजीज हैं वो मर गए तो वो खत्म हो गए, वो प्रभु के पास नहीं पहुंचेंगे, यहीं पर ही इनको खिला दो। हालेलुया, यहीं पर ही खिला दो इनको, वो प्रभु के पास नहीं पहुंचेंगे। ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों, हरेक व्यक्ति का न्याय होगा, हरेक का न्याय होगा, जो मरेगा उसका भी, जो जीवित रहेगा उसका भी, जो पाप करेगा उसका भी, जो पवित्र होगा उसका भी, हरेक जन का न्याय किया जाएगा, परमेश्वर का वचन हमें बताता है। हालेलुया, लिखा है 8 आयत में, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो, और उसने उनसे कहा तुम अपनी रीतियों को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी रीति से टाल देते हो। हालेलुया, बहुत ही भयानक बात है ये डराने वाली बात है, रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है ये, कि हम क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञा को टाल रहे हैं, मनुष्यों की आज्ञाओं को मान रहे हैं, आज हम कब्रिस्तान में जाकर वहां पर शराबे चढ़ा रहे हैं, क्या वो मुर्दे आकर शराब पिएंगे? मेरे मित्रों, अगर बाइबल हम पढ़े तो ये चीजें हमारे दिमाग में भी नहीं आएंगी। मैं भी थोड़ी देर पहले जब मैं वचन शेयर नहीं कर रहा था तो मैं बता रहा था अपने दोस्तों को कि 1984 में मेरे पापा की डेथ हुई और पहाड़गंज के कब्रिस्तान में उनको दफनाया गया, और आज उनकी कब्र कहाँ है मुझे नहीं पता। हम में से हम 5 भाई बहन है, 5 भाई और 4 बहन है, हमने किसी ने भी उनकी कब्र को पक्का नहीं करवाया। उसके बाद 2001 में मेरी मम्मी की डेथ हुई जयपुर में, और वहां पर उनको दफनाया गया, और हमें नहीं पता कि वो कौन सा कब्रिस्तान है, हमें नहीं पता कि उनकी कब्र कहां पर है, क्योंकि हम एक बात जानते हैं, जब यीशु मसीह ने कहा है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है अगर वो मर भी जाए तो जीवित होगा। हालेलुया, जब मेरी मम्मी मर गई है, मेरे पापा मर गए हैं, मेरी छोटी बहन है वो भी मर गई है, हमें पता है कि ये बाइबल में लिखा है, 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय की 13 आयत में लिखा है कि अब विश्वास, आशा और प्रेम, ये तीनों स्थाई हैं। विश्वास तो हम करते हैं, प्रेम भी हम करते हैं, क्या कभी आशा के विषय में सोचा है आप लोगों ने कि वो आशा है क्या चीज? विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थाई हैं। आज देखेंगे वो आशा है क्या। आइए निकाल लीजिए मेरे साथ रोमियो की पत्री 1 अध्याय,
हालेलुया। रोमियो की पत्री निकाल लीजिए मेरे साथ और वहां पर देखेंगे 8:19 में देखिए क्या लिखा है। यहां पर क्या लिखा है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। हालेलुया। सृष्टि बड़ी आशा, यही तो आशा है मेरे दोस्तों हमारी। हमारी आशा ये नहीं है कि हम पकवान बनाकर, शराबे लेकर, कंबल लेकर या भोजन लेकर, बिरयानी और कबाब और कोरमा लेकर हम कब्रिस्तान में जाकर जमा हो जाए, मोमबत्तियां जलाए, हार चढ़ाए, उससे क्या फायदा है। मिट्टी तो खत्म हो चुकी है और आत्मा परमेश्वर के पास है, वहां कुछ भी नहीं है। कब्रिस्तान में वहां कुछ भी नहीं है। हमारे पास एक आशा परमेश्वर ने दी है दोस्तों। वो आशा क्या है आज मैं आपको बताता हूं। पहला थिस्सलुनीकियों 4:13 से पढ़ेंगे क्या लिखा है। पहला थिस्सलुनीकियों 4:13, ध्यान से सुनिएगा कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाना चाहता है। हालेलुया। यहां पर इस तरह से लिखा है, हे भाइयों, ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण मैसेज है ये। और जब किसी की डेथ हो जाती है और हम उसके फ्यूनरल के लिए जब हम कब्रिस्तान में जाते हैं तो हर पास्टर इस वचन को वहां पर पढ़ता है, वहां पर ये वचन पढ़ा जाता है। तो आज मैं उसी वचन को एक बार फिर से शेयर करना चाहता हूं, एक बार फिर से आपके सम्मुख लेकर आना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि सच्चाई क्या है। इस तरह से लिखा, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं, सोते का मतलब जो मर गए हैं, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञान करो जिन्हें आशा नहीं। हालेलुया, कितनी बड़ी बात है ये। जिन्हें आशा नहीं होती वही तो शोक करते हैं। हमें तो आशा है कि हमारे जो अजीज हैं, जो प्रभु यीशु मसीह में सो गए हैं, जो प्रभु यीशु मसीह में मर गए हैं, वो फिर से जी उठेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा प्रकाशित वाक्य से एक आयत पढ़कर कि वहां पर किस तरह से लोग जी उठेंगे। हालेलुया। तो हम उनको मुर्दा समझ रहे हैं, कब्रिस्तान में जा जाकर उनके उनका स्वागत कर रहे हैं, उनको खाना पीना खिला रहे हैं, हम गलत हैं। हम उन्हें जीवित समझे, वो प्रभु यीशु मसीह के पास जाएंगे। हालेलुया, वो जीवित किए जाएंगे सबके सब लोग। ध्यान से सुनिए, लिखा है कि तुम औरों की नाई शोक ना करो जिन्हें आशा नहीं। हमारे आसपास जितने भी लोग रहते हैं वो लोग, उनके पास आशा नहीं है। हमारे पास प्रभु यीशु मसीह है जिसने हमें एक आशा दी है पुनरुत्थान की। अब विश्वास, आशा और प्रेम, ये तीनों स्थाई है। ये हमारी जो आशा है ये स्थाई है, ये डिग नहीं सकती, ये खत्म नहीं हो सकती, इसे कोई कंडम नहीं कर सकता, इसे कोई खत्म नहीं कर सकता। वो आशा जो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको दी है, और वो आशा है कि हम अपने अजीजों से जो आज प्रभु यीशु मसीह में सो गए हैं, हम उनसे दोबारा मिलेंगे जीवित, हाथ मिलाएंगे उनसे, गले मिलेंगे उनसे, प्रेम करेंगे हम। तो जीवितों को हम मरावा कर रहे हैं आज, उनको मिठाइयां चढ़ाकर, शराबें चढ़ाकर और कपड़े और पकवान चढ़ाकर या बिरयानी और कबाब चढ़ाकर, हम उनके साथ गलत कर रहे हैं मेरे दोस्तों। वो तो जीवित हैं, वो भी देखते होंगे तो हंसते होंगे, ये कर क्या रहे हैं लोग। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा वचन को, लिखा है, दोबारा से पढ़ूंगा, हे भाई ज्ञान रहो, ऐसा ना हो कि तुम औरों की नाई शोक करो। हमें शोक करना है तो सिर्फ इस विषय पर करना है जिस विषय पर पौलुस शोक करता है। वो कहता है कि मैं अंदर से बहुत शोकित हूं कि मेरे जो अजीज हैं, वो मेरे जो कुटुंब के लोग हैं, वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते। हालेलुया। आप पढ़ सकते हैं रोमियो 9 में कहता है संत पौलुस कि मुझे इस बात का शोक है। इसी बात को वो इब्रानियों में जाकर कहता है कि शोक करने वालों के साथ शोक करो। वो यीशु मसीह को नहीं जानते, इस बात पर हमें शोक करना है, गम बनाना है कि वो क्यों नहीं जानते। अगर मैं जानता हूं तो उन्हें भी जानने है, उन्हें भी जानना है कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। हालेलुया। तो हमारे पास एक आशा है और वो आशा कैसे स्थिर, पहला कुरिन्थियों 13:13 के अनुसार कि अब विश्वास, आशा और प्रेम, ये तीनों स्थाई हैं।
अगर हम बाइबल को पढ़ेंगे तो अगले साल हम कभी भी किसी भी रीति से 2 नवंबर को कब्रिस्तान नहीं जाएंगे, मरे नहीं है, सोए हैं दोस्तों। हालेलुया, सोए हैं, ये वचन बता रहा है। यहां पर लिखा है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके, ये नहीं लिखा मरते हैं, जो सोते हैं अज्ञान रहो, ऐसा ना हो कि तुम औरों की नाई शोक करो जिन्हें आशा नहीं है। हालेलुया, हमारे पास एक जीवित आशा है दोस्तों। आगे लिखा है, क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं, यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएंगे। हालेलुया, अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहा हूं। 14 आयत है, इसे अंडरलाइन कर लीजिए, याद कर लीजिएगा, बहुत ही समझने वाली बात है। यहां पर यह लिखा है कि यदि हम प्रतीति करते हैं, यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा, आप लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मरा? कैसे इसको प्रूव करेंगे, कैसे साबित करेंगे कि यीशु मसीह मरा? हम मानते हैं, मैं बताता हूं, गुड फ्राइडे, जब हम गुड फ्राइडे मनाते हैं तब हम इस बात को प्रूफ करते हैं कि हाँ, यीशु मसीह मरा। और आगे लिखा है, वो जी भी उठा, इस बात पर भी हम विश्वास करते हैं। हाँ, बिल्कुल विश्वास करते हैं, क्योंकि हम ईस्टर संडे मनाते हैं। हालेलुया, तो यहां पर लिखा है कि जब तुम, यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ लेकर आएगा। मेरे दोस्तों, यीशु मसीह के साथ वो लोग आएंगे, उसमें मेरी माँ भी होगी, मेरे पापा भी होंगे, मेरी बहन भी होगी, तो मैं क्यों कब्रिस्तान जाऊं, क्यों मैं उनको मरा हुआ सोचकर उनके लिए मिठाइयां या शराबें या कंबल या मोमबत्तियां चढ़ाऊं या हार चढ़ाऊं उनको? वो तो जीवित हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के पास है। हालेलुया, स्थिति करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं। यीशु में सोने का मतलब क्या है? यीशु में सोने का मतलब है प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद मरना, के बाद मर जाना, इसी को कहते हैं मसीह में सोना। हालेलुया, इसी को कहते हैं यीशु में सो जाना। जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया और हम, जब हम यीशु मसीह में मर जाते हैं तो हम मसीह में मरते हैं, और जो मसीह में मरे हैं वही पहले जी उठेंगे। हालेलुया, 15 आयत में लिखा है, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे तो सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। जो मर गए हैं हमारे लोग कहां पर है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, प्रकाशित वाक्य से पढ़कर। जो मर जाते हैं वो कब्रिस्तान में नहीं है मेरे दोस्त, मेरे दोस्तों, वो कब्रिस्तान में नहीं है। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं, आप कब्रिस्तान ना जाइए, उनको मरा हुआ मत घोषित कीजिए। आप जानबूझकर उनको मरा हुआ घोषित कर रहे हैं, वो मरे नहीं है। लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। हालेलुया, वो पहले जी उठेंगे जो मसीह में सो गए हैं, जो मसीह में मर गए हैं वो पहले जी उठेंगे। हालेलुया, आगे लिखा है, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ, किनके साथ? उनको जिनको आज हम कब्रिस्तान में समझ रहे हैं, उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। हालेलुया, उनके साथ जब यीशु मसीह आएंगे तो हमारे अजीज, उनके देह को हमने गाड़ा है। याद कीजिए, जब कोई मर जाता है तो हम उसको उसका नाम लेकर नहीं पुकारते, हम उसको देह कहते हैं, बॉडी कहते हैं, इस तरह से हम उसको पुकारते हैं। तो वो बॉडी जो है वो मिट्टी है, हम कहते हैं मिट्टी भी कहते हैं उसको,
मिट्टी जीव की जो मिट्टी में मिल जाती है और आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाती है। तो लिखा है यहां पर कि तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया, हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। मेरे दोस्तों, ये तो परमेश्वर का वचन बता रहा है, कि आपकी बाइबल में भी लिखा होगा, संसार में जितने भी बाइबल हैं उन सब में लिखा होगा। मैंने अभी इस पेंसिल से इस पर कुछ नहीं लिखा, मैं अपनी सोच यहाँ पर नहीं डाल रहा हूँ मेरे दोस्तों, मैं वो बता रहा हूँ जो परमेश्वर का वचन कह रहा है। हालेलुया, मैं वो बता रहा हूँ जो परमेश्वर का वचन बता रहा है मेरे दोस्तों। मुर्दों की ईद 2 नवंबर को मनाने के लिए बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा। अगर लिखा है तो आप मुझे बता दीजिए, अगर वो मिल गया मुझे बाइबल में तो मैं कभी भी इस विषय पर प्रचार नहीं करूंगा। हालेलुया, क्योंकि प्रचार वही किया करना अच्छा है जो बाइबल में लिखा हो। हालेलुया, हालेलुया। तो कहां हम कब्रिस्तान में जा जाकर मिठाइयां चढ़ाते हैं, शराबे चढ़ाते हैं, शराब, और बहुत से लोग क्या करते हैं कि मेरे पापा शराब के साथ, सोडे के साथ शराब पीते, तो वो सोडे की बोतल भी मार देते। हंसी की बात नहीं है ये, क्या वो कब्रिस्त में, कब्र में से निकल कर आकर पीएंगे? हालेलुया, बिरयानी, कबाब, कोरमा, सब कुछ वहां रखा होता है। आज कब्रिस्तान सजे हुए होंगे, लाइटिंग होगी वहां पर, क्योंकि जो कब्र में पड़े हैं वो बाहर आकर निकल कर ईद मनाएंगे अपनी। हालेलुया, एक हंसी मजाक बना रखा है आप लोगों ने। बाइबल में ऐसा कुछ भी नहीं है, बाइबल नहीं बताती इस बारे में कि हम मुर्दों की ईद मनाएं, क्योंकि जो मर जाता है वो, उसकी जो देह है वो मिट्टी में मिल जाती है और इसकी आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाती है। मैंने शुरू में ही पढ़कर बताया आपको सबोपदेशक 12:7 में। हालेलुया, और यहां पर आखिर में लिखा है तब सो इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। यही वो बात है, हम एक आशा एक दूसरे के अंदर जगाएं। मेरे दोस्त, मेरी बहन, मेरे भाई, अगर कोई आपका अजीज मर गया तो वो सोया है, मरा नहीं है, वो फिर से जी उठेगा। कैसे? आइए देखते हैं, प्रकाशित वाक्य निकालते हैं मेरे साथ, निकाल लीजिए प्रकाशित वाक्य और उसका 20 अध्याय। देखिए होगा क्या। हालेलुया, अब मैं उन लोगों से बातचीत करना चाहता हूं जो इस समय कब्रिस्तान में ईद मनाने के लिए गए हैं। हालेलुया, वो क्या कर रहे हैं? वचन को पढ़ें तो वचन उनकी आंखों को खोलेगा। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 11 से मैं पढ़ूंगा, सुनिए क्या लिखा है। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो सिंह उस पर बैठा हुआ था देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। 12 में देखिए क्या लिखा है। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। कहां देखा? स्वर्ग में। हालेलुया, हम मिट्टी में देख रहे हैं, हम कब्रिस्तान में ढूंढ रहे हैं उनको, लेकिन वो कहां पर खड़े? वो स्वर्ग में होंगे, न्याय के लिए वो परमेश्वर के सामने इकट्ठा किए जाएंगे। हालेलुया, तो लिखा है कि मैंने क्या देखा, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई। फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। हालेलुया, उनका न्याय किया गया। कहां पर न्याय होगा? कब्रिस्तान में न्याय होगा क्या? हालेलुया, कब्रिस्तान में न्याय होगा? नहीं, कब्रिस्तान में नहीं, स्वर्ग में न्याय होगा। सिंहासन पर प्रभु यीशु मसीह बैठे होंगे और सारी जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी। 13 में देखिए क्या लिखा है। पर समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हरेक के कामों के अनुसार उनका
न्याय किया जाए। एक भी व्यक्ति नहीं छूटेगा मेरे दोस्तों, एक भी मनुष्य नहीं छूटेगा, हरेक का न्याय होगा, क्योंकि बाइबल बताती है। क्या वो समुद्र में डूबकर मरा हो, आग में मरा हो, किसे भी मरा हो, सब अपने मुर्दों को दे देंगे। यहां पर लिखा है 13-14 आयत में हम पढ़ सकते हैं, और मृत्यु और अधोलोक की आग की झील में डाले जाएंगे। ये आग की झील तो दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला जाएगा। हालेलुया। हमारा नाम कहां लिखा है? जब हम मनुष्यों की रीति के अनुसार चलने लगते हैं, डंबर धर्म उपदेश जो वो हमें देते हैं कि ऐसा करो ऐसा ना करो, तो क्या हम परमेश्वर के अगेंस्ट खड़े नहीं है? क्या हम परमेश्वर के विरोध में खड़े हुए नजर नहीं आते? परमेश्वर ने तो कहा ही नहीं है कि हम मुर्दों को जाकर खाना खिलाएं। हालेलुया। परमेश्वर ने नहीं कहा कि हम मुर्दों को जाकर खाना खिलाएं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है, वचन में लिखा है, एक वचन में आपको पढ़कर बताता हूं, मेरे साथ निकाल लीजिए, मत्ती की इंजील 8 अध्याय और उसकी 21 आयत में पढ़कर बताऊंगा क्या लिखा है। मत्ती 8 अध्याय और उसकी 21 आयत। यहां लिखा है, एक और चेले ने उससे कहा, यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। हालेलुया। क्या कहा यीशु मसीह ने? कि तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। हालेलुया। ये यीशु मसीह के शब्द हैं, मत्ती 8 अध्याय और उसकी 21 आयत में हम पढ़ रहे हैं कि एक चेले ने कहा कि पिता मुझे आज्ञा दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। यीशु मसीह ने कहा तू मेरे पीछे हो ले, मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, क्योंकि यीशु मसीह की बात जानते हैं, चित्रा के जो सो गए हैं वो फिर जिलाए जाएंगे, उनका न्याय किया जाएगा। हालेलुया। तो आज के दिन 2 नवंबर को हर साल ईसाई लोग, मैं मसीही नहीं बोलूंगा, मैं ईसाई लोग बोलूंगा, कि ईसाई लोग कब्रिस्तान में क्या करने जाते हैं? ना तो वहां शरीर है, ना वहां पर आत्मा है, वहां हमारा कोई भी नहीं है, वहां पर सिर्फ मिट्टी है। अपना पैसा हम कितना बर्बाद करते हैं, अपना समय हम कितना बर्बाद करते हैं, जो पैसा हम कब्रिस्तान में लगाते हैं जाकर भोजन शराबे और ये सारी चीजें ले जाकर हम जब कब्रों पर चढ़ाते हैं, उनको कुत्ते खाते हैं। वहां पर जो कब्रिस्तान में जो जंगली कुत्ते आते हैं वो उनको खाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे अजीज कब्र में से निकल कर आकर उनको खाएंगे, वो कुत्तों के लिए होता है। अगर इतना पैसा आपके पास है, आप उसे खर्च करना चाहते हैं, तो गरीबों को दें। सड़कों पर देखें, लोग भूखे मर रहे हैं, उनके पास खाने को नहीं है, कूड़ेदान में से पुराना भोजन ढूंढ ढूंढ कर लोग खा रहे हैं। जो पैसा आप कब्रिस्तान में लगा रहे हैं वो पैसा उनको दें, उससे उस पैसे से भोजन तैयार करवा के गरीबों में बांटें। हम कहते हैं कि हमारा अजीज गुजर गया, उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करो। आत्मा को शांति की क्या जरूरत है? आत्मा तो परमेश्वर के पास चली जाती है ना, वहां पर तो पहले ही शांति है। हालेलुया। शांति की जरूरत होती है उस परिवार में, जिस परिवार से वो अजीज जाता है, उस परिवार की शांति के लिए प्रार्थना हमें करनी चाहिए कि परमेश्वर इस परिवार में तो अपनी अद्भुत शांति दे। हालेलुया। तो मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, ये संसारिक रीति रिवाज, ये आडंबर, ये परंपराएं जो मनुष्यों ने बनाई हैं, हमें इन्हें छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। हमें इन्हें छोड़ना पड़ेगा, अन्यथा परमेश्वर का क्रोध हम पर आएगा। आइए देखते हैं एक आयत, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। आखिर में कुलुस्सियों पढ़ेंगे हम, 2 अध्याय 20 आयत से मैं पढ़ूंगा।
इसकी साइड में फिर क्या लिखा है, जबकि तुम मसीह के साथ इस संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए तो फिर उनके समान संसार में जीवन, सॉरी, तो फिर उनके समान जो संसार में जीवन बताते हैं मनुष्यों की आज्ञाओं और शिक्षा अनुसार और ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो। जब हम मर गए, जैसे पौलुस कहता है गलातियों 2:20 में कि अब मैं मर चुका हूं, मसीह मुझ में जीवित है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं हम मसीह में मर जाते हैं, मसीह में हम जी उठते हैं, एक नया जीवन हमारे पास होता है। यहां पर संत पौलुस यही बताना चाहते हैं कि जब तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो तो फिर उनके समान जो संसार में जीवन बताते हैं मनुष्यों की आज्ञाओं और शिक्षा अनुसार और ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो कि ये ना छूना, उसे ना चखना, उसे हाथ ना लगाना, ये सारी वस्तुएं क्या है काम में लाते लाते नष्ट हो जाएंगी। और 23 आयत में लिखा है इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और दीनता और शारीरिक योगाभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे कुछ लाभ नहीं होता। ये सब संसारिक है, ये सब मनुष्यों के बनाए हुए रीति रिवाज हैं। हम इनको, इनसे परहेज करें, इनको एक निगलेक्ट हो जाए, नहीं तो हम परमेश्वर से कुछ भी नहीं पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मुर्दों की ईद बाइबल के अनुसार नहीं है तो नहीं है। हालेलुया, क्योंकि हमारा जीवन जो है वो बाइबल के अनुसार ही होना चाहिए। बाइबल के अनुसार, बाइबल के अनुसार हम अपने जीवन को जब व्यतीत करते हैं तब हम परमेश्वर के एक एक वचन को अपने जीवन में पूरा करते हैं। परमेश्वर ने कहीं नहीं कहा कि मुर्दों को जाओ, अपने मुर्दों को गाड़ कराओ, जाओ उनके साथ ईद मनाओ, जाओ ऐसा करो वैसा करो, ऐसा कुछ नहीं कहा। यहां तक कि बाइबल क्रिसमस तक मनाने के लिए हमें बाध्य नहीं करती, गुड फ्राइडे मनाने के लिए हमें बाध्य नहीं करती, ईस्टर मनाने के लिए हमें बाध्य नहीं करती। मेरे दोस्तों, आखिर में एक बात ही होते हैं, एक असली, एक नकली, एक फसली। हालेलुया। नकली वो होते हैं जो कभी चर्च जाते ही नहीं, जो कभी बाइबल पढ़ते ही नहीं, जो कभी संगतियों में नहीं रहते, उन्हें किसी से कुछ लेना देना, एक प्रकार से वो नास्तिक लोग हैं। दूसरे होते हैं फसली। वो कब आते हैं निकलकर बाहर? 2 नवंबर को, 25 दिसंबर को, गुड फ्राइडे को और ईस्टर को। ये 4 दिन इनके लिए विशेष हैं। इसमें ये, इसमें निकल कर आते हैं, ये फसली होते हैं। जब इनकी फसल होती है तब ये उग जाते हैं, तब ये बाहर निकल कर आते हैं। कब? 2 नवंबर को, 25 दिसंबर को, गुड फ्राइडे को और ईस्टर को। ये तो हो गए फसली। पहले देखिए नकली, फिर देखिए असली फसली, और अब देखिए असली क्रिश्चियन कौन है। असली प्रभु के लोग जो हर समय बाइबल पढ़ते हैं, हर समय प्रार्थना करते हैं, हर समय अपने दिमाग में प्रभु यीशु मसीह को लेके रखते हैं और फिल्मी गाने छोड़कर वो प्रभु यीशु मसीह के गीत गाते हैं, प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह से जुड़े रहते हैं, उसके वचन के ऊपर मनन करते हैं, हर संडे चर्च जाते हैं, परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनते हैं, चर्च से उठकर बाहर नहीं जाते, मोबाइल की घंटी चाहे कितनी बजती रहे उसे साइलेंट पर रखते हैं, चर्च से उठकर बाहर नहीं जाएंगे, यदि कोई कॉटेज मीटिंग भी हो वहां पर भी अगर फोन की घंटी बज रही है तो उसे नहीं उठाएंगे, वचन को जब तक पूरा नहीं सुन लेंगे वो वहां से हिलेंगे नहीं। हालेलुया, वो है असली ईसाई। अब हमें देखना है कि हम इन तीनों में से कौन है, हम नकली हैं, हम फसली हैं या हम असली हैं। हालेलुया, मेरी ये विनती है कि हम असली क्रिश्चियन बन जाएं, हम ईसाई ना बने, हम मसीही बन जाएं और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करें। हालेलुया, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करें। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, इसके बाद में समाप्त। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, मेरा धन्यवाद देता हूं प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए, इसके द्वारा प्रभु तुम हमसे बोला, हमसे बातचीत की है। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी अपने बच्चों के हृदय की गुड़ाई करना प्रभु, ताकि जो वचन का बीज बोया गया प्रभु
वो फलवंत हो प्रभु, वो 30 60 100 गुना हजारों गुना फल लेकर आए। ये वचन प्रभु जी बहुत से लोगों के लिए छुटकारे का, आजादी का कारण बन जाए। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, तूने मेरी इस प्रार्थना को भी सुन लिया, ये यीशु के नाम से मांग, आमीन। हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूँ आप सबका, बहन स्टेला सोलोमन का, सिद्धेश पुष्पक भाई धन्यवाद हो आपका, और बाकी जितने भी लोग आए हैं, एडलिना सेत्या और सुरेश मैसी, आशीष सिमोन, नैनदीप जेकब भाई, आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, आप सबकी सारी जरूरतें पूरा करें, और आपको उन्नति दे, तरक्की दे, समृद्धि दे, और अपने में आगे बढ़ाए। हालेलुया। आखिर में आपसे गुजारिश करूंगा कि आप YouTube पर सर्च कीजिएगा, मेरा चैनल है जिसका नाम है हकीकत द रियलिटी, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, और मेरा हौसला अफजाई कीजिए, और मुझे बताइए कमेंट्स बॉक्स में आकर कि कोई बात अगर मेरे मुंह से गलत निकल गई है तो उसे बताइए कि मैं उसको आने वाले वीडियो में मैं उसको सही करूंगा, माफी मांग करके मेरे मुंह से वो बात गलत निकल गई थी कि किस भाई या बहन ने मुझे वो बताया है। दूसरी बात यह है कि आप कमेंट्स बॉक्स में अगर आप कोई आपके पास ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप सुनना चाहते हैं, कोई भी सवाल बाइबल से रिलेटेड अगर आपके मन में है तो वह आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मैं अगले लाइव में आपको उस सवाल का जवाब देने का पूरा प्रयास करूंगा। मंगलवार याद रखिएगा शाम को 5 बजे मैं फिर से आपके साथ यहाँ पर इकट्ठा होऊंगा, हम फिर से एक लाइव वीडियो में आएंगे। आपको याद होगा बीते दिनों मैंने एक मैसेज दिया था जिसका शीर्षक था कि आशीष कैसे प्राप्त करें, उसका दूसरा पार्ट मंगलवार को मैं शेयर करूंगा शाम को 5 बजे, 5 तारीख शाम को 5 बजे मंगलवार नवंबर में इसी महीने में आप मेरे साथ फिर से जुड़ सकते हैं। याद रखिएगा आशीष कैसे प्राप्त करें पार्ट 2 भाग 2, उसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे, परमेश्वर आप सबके साथ रहे, आपकी रक्षा के लिए अपने स्वर्गदूतों का पहरा लगाए, और प्रभु यीशु मसीह आपको अपने में आगे बढ़ाए। हालेलुया। आमीन आमीन फिर आमीन।